हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दिस इज़ जागृति। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। माय बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ते हैं ब्लड क्लोट के बारे में। ब्लड क्लोट क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लोट एंड डेफिनेशन ऑफ ब्लड क्लोट एंड प्रोसेस क्या होता है इसका, वो भी पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। ब्लड क्लोट क्या होता है फ्रेंड्स। ब्लड क्लोट इंट्रोडक्शन, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ब्लड क्लोट होता क्या है ये पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ब्लड क्लोट क्या होता है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। दिस प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड। अ ब्लड क्लोट इज़ अ क्लंप ऑफ ब्लड। क्लोटिंग ऑफ ब्लड मीन्स क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब कि हमारी बॉडी के ये डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स। डिफेंस मीन्स किसी चीज़ का बचाव या प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन कह सकते हैं। तो ये मतलब प्रिवेंट या मतलब हमारी जो बॉडी है, बॉडी की ये ब्लड क्लोटिंग क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म है ऑफ द बॉडी। बॉडी की दिस प्रिवेंट इज़ द लॉस ऑफ द ब्लड। अ ब्लड क्लोट इज़ अ क्लंप। ये क्या करता है, ये जो लॉस ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो, ज़्यादा ब्लड की कमी ना हो, तो ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग इसमें मदद करता है। अगर जैसे कि हमारे चोट लग गई है और जो है ब्लड बह रहा है, मतलब कंटिन्यू ब्लडिंग हो रही है, तो ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो उससे क्या होता है, ब्लड क्लॉट से क्या होता है कि हमारी बॉडी से ज़्यादा ब्लड जो है निकल नहीं पाता है और ब्लड लॉस होने से प्रिवेंट होता है, बचता है। अब ब्लड क्लॉट इज़ अ क्लंप। ब्लड क्लॉट क्या है, एक क्लंप है, मतलब कि एक गुच्छा है। ब्लड क्लॉट क्या है, एक क्लंप यानी कि एक गुच्छा है। किसका गुच्छा है, ब्लड का। दैट है चेंज फ्रॉम लिक्विड टू जेल, जो कि चेंज हो जाता है लिक्विड से। ब्लड क्या होता है, एक लिक्विड ही होता है, तो लिक्विड से ये जेल लाइक सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। ब्लड जो होता है वो लिक्विड से एक जेल लाइक और सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है जब क्लोट बनता है। क्लोटिंग इज़ नेसेसरी प्रोसेस। क्लोटिंग क्या होती है, क्लोटिंग एक नेसेसरी यानी कि इम्पॉर्टेंट या बोल सकते हैं इसेंशियल प्रोसेस होता है। दैट कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम लॉसिंग टू मच ब्लड, जो कि क्या करता है, दैट कैन बी प्रिवेंट फ्रॉम लॉसिंग टू मच ब्लड, जो कि प्रिवेंट करता है बहुत ज़्यादा, टू मच ब्लड मीन्स बहुत ज़्यादा ब्लड को लॉस होने से प्रिवेंट करता है। इन सर्टेन इंस्टेंसेस मीन्स फ्रेंड्स क्या होता है, उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल। तो इंस्टेंसेस मीन्स उदाहरण। तो अगर हम उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, सच एज व्हेन यू आर इंजर्ड और हैविंग कट, यानी कि जब आप इंजर्ड हो जाते हैं, यानी कि आपको कुछ चोट लग जाती है, कोई इंजरी लग हो जाती है या कोई आपके कट लग जाता है, तो आपकी बॉडी से क्या होता है, ब्लड जो होता है वो निकलने लगता है। जहाँ पे हमारे चोट लग जाती है वहाँ से ब्लड जो होता है फ्लो होने लगता है, निकलने लगता है। तो उस ब्लड को कंटिन्यू बचाने, मतलब उस ब्लड लॉस होने से बचाने के लिए क्या होता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो उस ब्लड क्लॉट की क्या है, एक प्रोसेस इज डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि ब्लड लॉस होने से बचाने का एक प्रोसेस है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का डेफिनेशन क्या होता है, तो इस बारे में पढ़ेंगे। द प्रोसेस बाय विच ब्लड बिकम थिक एंड स्टॉप फ्लोइंग मीन्स ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो थिक, यानी कि ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी थिक जो होता है, मतलब एक सॉलिड लाइक जेल लाइक स्टेट में हो जाता है। एंड स्टॉप फ्लोइंग, और ब्लड जो होता है वो जहाँ पे जिस साइड में अगर चोट लगी है वहाँ से कंटिन्यू फ्लो होने से स्टॉप हो जाता है, फॉर्मिंग अ सॉलिड और एक जेल लाइक स्टेट में फॉर्म हो जाता है। कवर ओवर एनी प्लेस विथ वेयर यू इस योर स्किन हैज़ बीन कट और ब्रोकन, जहाँ पर आपकी स्किन में या कहीं बॉडी की, कहीं भी बॉडी के साइड पर कट लग जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं,
ब्लड क्लॉटिंग। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं द ब्लड कागुलेशन प्रोसेस। ब्लड कागुलेशन प्रोसेस पढ़ते हैं, ब्लड कागुलेशन प्रोसेस दैट चेंजेस सर्कुलेटिंग सब्सटेंसेस। ब्लड कागुलेशन प्रोसेस क्या होता है? ब्लड कागुलेशन प्रोसेस जो होता है, ब्लड कागुलेशन प्रोसेस इज दैट चेंजेस सर्कुलेटिंग सब्सटेंसेस, जो कि सर्कुलेटिंग सब्सटेंसेस को चेंज करता है विद इन द ब्लड, यानी कि ब्लड में। ब्लड कागुलेशन प्रोसेस इज अ प्रोसेस दैट चेंज सर्कुलेटिंग सब्सटेंस विद इन द ब्लड। ब्लड कागुलेटिंग प्रोसेस क्या है? सर्कुलेटिंग सब्सटेंसेस यानी कि जो बॉडी में हमारे कंटिन्यूस सब्सटेंसेस सर्कुलेट हो रहे हैं वो इनसॉल्युबल जेन में चेंज हो जाते हैं। द सेल प्लग लीक्स इन ब्लड वेसल एंड स्टॉप द लॉस ऑफ ब्लड। और क्या करता है? ब्लड वेसल्स जो द सेल प्लग लीक्स, और जो ब्लड वेसल्स से ब्लड कंटिन्यू फ्लो हो रहा होता है तो वो जेल लाइक सब्सटेंस बन जाता है। द प्रोसेस रिक्वायर्स कागुलेशन फैक्टर कैल्शियम एंड फॉस्फोलिपिड। इस प्रोसेस में कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं, जैसे कि कैल्शियम एंड फॉस्फोलिपिड। एग्जाम्पल, कैल्शियम एंड फॉस्फोलिपिड। द कागुलेशन फैक्टर्स प्रोटीन आर मैन्युफैक्चर बाय द लीवर। और जो हमारा प्रोटीन है जो कि कागुलेशन फैक्टर है यानी कि ब्लड क्लॉट होने में इम्पॉर्टेंट है, तो ये कहाँ बनता है? ये मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? लीवर में मैन्युफैक्चर होता है। अब नेक्स्ट है आयोनाइज्ड कैल्शियम। कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है ब्लड क्लॉट में। इज अवेलेबल इन द ब्लड एंड फ्रॉम इंटरसेलुलर सोर्स। ये कहाँ होता है? ये ब्लड में अवेलेबल होता है कैल्शियम। कैल्शियम तो ब्लड में ही होता है। कैल्शियम ब्लड में अवेलेबल होता है एंड फ्रॉम इंट्रासेलुलर सोर्स। और ये कहाँ फॉर्म होता है? इंट्रासेलुलर सोर्स में फॉर्म होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, कागुलेशन कैन बी इनिशिएटेड बाय इधर टू डिस्टिनेक्ट पैथवे। इंस्ट्रिंसिक पैथवे यानी कि मतलब कागुलेशन कैन बी इनिशिएटेड विद इधर टू डिस्टिंक्ट पैथवे। मतलब अगर जो कागुलेशन है यानी कि ब्लड क्लॉट यानी कि जमावट, उनके दो पैथवे होते हैं, दो मेथड होते हैं जिससे ब्लड क्लॉट होता है। एक क्या होता है? एक इंस्ट्रिंसिक पैथवे, एक एक्सट्रिंसिक पैथवे। अब हम फ्रेंड्स ये पढ़ते हैं इंट्रिंसिक पैथवे क्या होता है। इंट्रिंसिक पैथवे कैन बी इनिशिएटेड बाय इवेंट दैट टेक प्लेस विद इन द ह्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स। इंट्रिंसिक पैथवे क्या होता है? कैन बी इनिशिएटेड, ये शुरू होता है जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर चोट लग जाती है तो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब ब्लड वेसल्स में ही कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिससे क्या होता है, ब्लड क्लॉट जो होता है वो इनिशिएट होता है, यानी कि शुरुआत ब्लड क्लॉटिंग की होने लगती है। ठीक है, समझ रहे हो? ब्लड वेसल्स में ही कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिससे ब्लड क्लॉट जो होता है वो स्टार्ट होने लगता है। अब ल्यूमन ऑफ ब्लड, फ्रेंड्स ल्यूमन आपको बता दें, ल्यूमन क्या होता है? ल्यूमन मीन्स अ कैविटी, मतलब कि अ कैविटी ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि ब्लड वेसल क्या होता है? ब्लड वेसल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही तो होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ल्यूमन मीन्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ब्लड वेसल्स यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिससे ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, अब द इंट्रिंसिक पैथवे रिक्वायर्स ओनली एलिमेंट्स। अब ये इंट्रिंसिक यानी कि जो इंट्रिंसिक पैथवे होता है, इसमें कुछ जो एलिमेंट्स ज़रूरत होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के, वो कौन कौन से ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स हैं? जैसे कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम, प्लेटलेट सर्फेस ईडीसी, और फाउंड विद इन द और इंट्रिंसिक टू द वास्कुलर सिस्टम।
ये कैल्शियम कहाँ होता है, ये कैल्शियम कहाँ होता है, ये वास्कुलर सिस्टम में होता है फ्रेंड्स। पढ़ा हमने ना ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या है, वास्कुलर सिस्टम ही तो है, यानी कि वास्कुलर सिस्टम यानी कि जैसे वेन्स हैं, नर्व्स हैं, इनको हम वास्कुलर सिस्टम ही बोलते हैं। अब हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक पैथवे। इंस्ट्रिंसिक आपको समझ आया, यानी कि जो हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ब्लड वेसल्स ही है, इनमें कुछ ऐसे सब्सटेंस यानी कि अंदर ही कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिससे ब्लड क्लोटिंग जो होती है, ब्लड क्लोट होना स्टार्ट हो जाता है। उनके लिए कुछ सब्सटेंसेस होते हैं उसमें ब्लड वेसल्स में, वास्कुलर सिस्टम में, कौन कौन सा, कैल्शियम आयन जो कि प्लेटलेट सर्फेस पे, प्लेटलेट सर्फेस एटसेट्रा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक पैथवे इज द अदर रूट ऑफ कोगुलेशन। ये एक दूसरा मतलब दूसरा रास्ता है कोगुलेशन का, यानी कि ब्लड क्लोट होने का। इट रिक्वायर्स टिश्यू फैक्टर, इसमें टिश्यू फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन आर सबस्टेंस विच इज एक्सट्रिंसिक टू और नॉट नॉर्मली सर्कुलेटिंग इन द वेसल्स। और ये एक्सट्रिंसिक होता है यानी कि बाहर, और नॉट जो कि ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट नहीं होता है। ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट क्या होता है, कैल्शियम आयन। ठीक है, ब्लड में होता है ना कैल्शियम आयन, तो और प्लेटलेट सर्फेस। ठीक है, तो और जो एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहर से ऐसा क्या होता है, बाहर के ऐसे कौन से सब्सटेंसेस है जिससे ब्लड क्लोट जो होता है ब्लड क्लोट स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि ये दूसरा प्रोसेस होता है एक्सट्रिंसिक पैथवे। इसमें टिश्यू फैक्टर की ज़रूरत होती है, टिश्यू फैक्टर मीन्स थ्रोम्बोप्लास्टिन की ज़रूरत होती है। ये कैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नॉर्मली ब्लड वेसल्स पर सर्कुलेट नहीं होते हैं। टिश्यू फैक्टर इज रिलीज्ड फ्रॉम द वेसल वॉल स्ट्रक्चर, और टिश्यू फैक्टर तब रिलीज होते हैं, मतलब टिश्यू फैक्टर जो होते हैं तब रिलीज होते हैं। टिश्यू फैक्टर तब रिलीज होते हैं जब क्या होता है, ब्लड वेसल स्ट्रक्चर होती है, यानी कि हमारे जब चोट लग जाती है और ब्लड जो होता है निकलने लगता है, तब ये टिश्यू फैक्टर रिलीज होते हैं। तो एक्सट्रिंसिक पैथवे यानी कि ब्लड वेसल्स में ही कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे ब्लड क्लोट होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि कैल्शियम प्लेटलेट्स जो कि वास्कुलर सिस्टम में ही, नर्व एंड वेंस में ही सब्सटेंसेस होते हैं। एक्सट्रिंसिक क्या होता है, यानी कि बाहर से, जब हमारा जो है ब्लडिंग बाहर हो जाती है, ब्लडिंग निकलने लगती है, तो टिश्यू फैक्टर्स जो होते हैं रिलीज होते हैं, यानी कि ब्लड जब वेसल्स रैप्चर हो जाती है तब, या जो थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह होते हैं ये कोगुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, द फॉलोइंग आर कोगुलेशन फैक्टर्स आर देयर कॉमन नेम्स। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कोगुलेशन जो होता है, कोगुलेशन में इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग में ये सब्सटेंसेस इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन से सब्सटेंसेस इम्पॉर्टेंट हैं, फिब्रिनोजेन प्रथोम्बिन, थर्ड इज टिशू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ इज आयोनाइज्ड कैल्शियम। फ्रेंड्स कहाँ है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा बैक क्लासेस, तो आयोनाइज्ड कैल्शियम कहाँ है, मैं बताती हूँ, ब्लड वेसल में है, जो कि इंस्ट्रिंसिक पैथवे है। ठीक है, तो फिफ्थ इज लेविल फैक्टर और प्रोसेलरिन, सिक्स इज अनाजाइनेट, ये फिफ्थ एंड टेंथ को मिला करके बना हुआ होता है, ये प्रूफ नहीं है अभी। एंड स्टेबल फैक्टर और प्रोकॉन्वर्टिन, सिक्स, सेवेंथ इज एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, एंड एड इज नाइन इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, क्रिस्पिस फैक्टर भी बोलते हैं, टेन इज स्टार पावर फैक्टर, एंड अलेवन इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, एंड अलेवन इज हिजमेन फैक्टर, एंड ट्वेल्व इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। सो फ्रेंड्स, हमने फैक्टर्स पढ़े कि जो ब्लड क्लोट के फैक्टर्स होते हैं कौन कौन से हैं, इनके नेम पढ़े, और हम लोगों ने ये मतलब ये पैथवे पढ़ा कि ब्लड क्लोट जो होता है वो कितने पैथवे होते हैं, यानी कि कितने मेथड्स होता है, एक्सट्रिंसिक पैथवे एंड एक्सट्रिंसिक। ठीक है, और हमने फ्रेंड्स पढ़ा एंड द ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस, मतलब ब्लड कोगुलेशन किस प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या होता है वो पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ ब्लड क्लोटिंग पढ़ा एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लोटिंग पढ़ा।
फ्रेंड्स आप अच्छे से पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से पढ़िएगा। और हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि ये जो कैलकुलेशन फैक्टर्स हैं इनको याद करने में हम लोग को प्रॉब्लम हो जाती है, 13 है इनके नेम जो है सीरियल वाइज याद करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनका ट्रिक लेके आएंगे कि एक ट्रिक लेके आएंगे बहुत आसान सी, उस ट्रिक से आप अच्छे से याद कर लेंगे, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से कोई भी पूछे एग्ज़ाम हो जो कुछ भी तो आप अच्छे से बता पाएंगे, जस्ट आंसर दे पाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका जो है एक ट्रिक लाएंगे फ्रेंड्स, तब तक आप ये अच्छे से पढ़िए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको अगर पसंद है, आपको हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू सो मच माय ऑल फ्रेंड्स।